कीवर्ड रिसर्च के लिए अगेन यहाँ पे मैं एचआरएस का यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताऊँ इस वेबसाइट पे मैंने हाउ टू का कंटेंट डाला था, जो लोग सर्च करते हैं ना हाउ टू डू दिस ये वो कुकिंग वाला कंटेंट डाला था, लोग रेसिपीज़ वगैरह बहुत सर्च करते हैं। ये सब मैं नीश नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या था, आइडिया दे रहा हूँ कि किस किस नीश में आप बना सकते हो। तो जैसे अगर हम यहाँ पर सर्च करें रेसिपी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेसिपी डालना है एंड आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे एचआरएफ्स अगर आपके पास है, इस पर एक बहुत अच्छा फीचर आया है लोएस्ट डीआर का। इसमें ये क्या करता है, आपको बता देगा कि क्या टॉप 5 टॉप 10 में अगर कोई छोटे डीआर वाली वेबसाइट है, आप यहाँ पे इसको डीआर बता दो आपके लिए छोटी वेबसाइट क्या है। हम इसको बोल देते हैं भाई 0 है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि भाई टॉप 10 में अगर कोई भी वेबसाइट का डीआर 0 है वो अगर आती है तो वो कीवर्ड्स मेरे को दिखा दो, यहाँ पे कर दो आप शो रिज़ल्ट। आप देख पाओगे कि इसने आपको 4000 प्लस ऐसी वेबसाइट्स बता दी है जिसमें जो रिज़ल्ट आ रहे हैं टॉप 10 उसमें से एक ना एक वेबसाइट का डीआर 0 है। डीआर बोले डोमेन रेट है, ठीक है, आप डीए की तरह मतलब बहुत नॉर्मल सी साइट है, बहुत नई साइट है, तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो हमने पास्ता रेसिपी वाले कीवर्ड को देखा, तो कीवर्ड रिसर्च करते टाइम कभी भी आपको ना जो टूल्स मेट्रिक देते हैं केडी कीवर्ड डिफिकल्टी उस पे एकदम से नहीं जाना चाहिए, बिलीव ही नहीं करना है एकदम से, क्या जाना ही नहीं है आपको, कीवर्ड को मैन्युअली सर्च करना है। मैन्युअली कैसे सर्च करना है, दो चीज़ें ध्यान देनी है, इनफैक्ट तीन, जो वेबसाइट्स आ रही है किस टाइप की वेबसाइट्स हैं, क्या वो न्यूज़ वेबसाइट है या फिर वो नीश वेबसाइट्स है, मतलब उसी टॉपिक पे बनी वेबसाइट है। जो वेबसाइट्स आ रही हैं टॉप 10 में उसमें से कितनी वेबसाइट जो है वो 20 या 30 डीआर से ऊपर है, क्योंकि 20-30 से ऊपर है तो मतलब वो पुरानी वेबसाइट है, काफ़ी टाइम खासी अथॉरिटी है, अच्छी खासी अथॉरिटी है, ठीक है। और तीसरी कि लेट्स सपोज अगर कोई छोटी वेबसाइट भी आ रही है, वो लिंक्स कितने बना रहे हैं उस पेज पे। कई बार लोग धोखा क्या खाते हैं, उनको छोटी वेबसाइट दिख गई वो खुश हो गए कि यार सब नीश वेबसाइट है, पर जब वो लिंक्स देख रहे हैं एक बंदा 100-100 लिंक बना रहा है, कैसे बनाओगे आप 100 लिंक एक पेज पे, आपको 100-150 पेज की पूरी वेबसाइट बनानी है कैसे बनाओगे। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि कितने रेफरिंग डोमेन्स हैं इसके। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें पास्ता रेसिपी में, तो इस बंदे का डोमेन रेटिंग 0 है, लिंक्स भी है 0 बना रहा है, मतलब फिर भी रैंक कर रहा है, क्यों, क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा, वेबसाइट अच्छी होगी, टॉपिक्स इसने काफी सारे कवर, हाँ हिंदी में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी, कीवर्ड तो इंग्लिश में डाली थी ना, कीवर्ड इंग्लिश में डाली थी बट गूगल को रेलेवेंट लग रहा है, गूगल को रेलेवेंट लग रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है गूगल को, वो दिखा रहा है। तो आप क्या करना है, अगर आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं और ऐसे कीवर्ड्स में आपको वेबसाइट मिलते हैं, इन वेबसाइट्स को इकट्ठे करते जाओ और फिर इन वेबसाइट्स में डीप जाओ कि क्या कीवर्ड कवर कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमको पहले कीवर्ड में ही एक वेबसाइट दिख गई, अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का बायोडाटा देखेंगे, कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम इसका एक जनरल एचआरएफ मारेंगे, ठीक है, देखेंगे कितना ट्रैफिक है, क्या लिंक्स बना रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे देखा डोमेन रेटिंग 0 है, बैकलिंक भी इसने बनाए रही है, अभी ट्रैफिक आना शुरू हुआ, ट्रैफिक आना शुरू हुआ है, और ये फ्रेश डोमेन था, ठीक है, इसने ऑलरेडी 21 में काम शुरू करने से मेरा ना टाइम लगता है 6-7 महीने साल इसको वो टाइम लगा, तो इसने टाइम इन्वेस्ट किया, ये चाहता तो एक साल के अंदर लिंक्स बना के जल्दी रैंक कर सकता था, इसने टाइम इन्वेस्ट किया। अब एक बार इसके पेजेस देख लेते हैं, पेजेस कैसे हम देखेंगे, हमें जाना है यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड में। एक चीज़ मैं बता दूँ कि भाई जो टूल का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम एचआरएफ, ये थोड़ा सा महंगा टूल होता है, बट मार्केट में जुगाड़ लगा के इसको सस्ते में भी आप यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि हाँ। वो एक तरीके से पायरेसी को प्रमोट करना होता है, करेक्ट, हाँ, तो मैं वो नहीं बस बता दिया, आप लोग अगर होशियार हो तो पता लगा सकते हो, करेक्ट। तो जैसे हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे जिन पेजेस पर ट्रैफिक आ रहा है वो सिर्फ 48 है, थोड़ा या कम ट्रैफिक जितना भी 48 पेजेस है, मे बी कंटेंट ही कम लिखा हो, कंटेंट ही कम लिखा हो, पर कम लिखा पर अच्छा लिखा, ये भी तो एक चीज़ होती है ना। तो इस वेबसाइट को एक बार विजिट भी करके देख लेते हैं कि दिखने में कैसी है वेबसाइट, जैसे आप देख सकते हो बेसिक वेबसाइट है और इसने पुश नोटिफिकेशन लगा रखा, हाँ पुश नोटिफिकेशन लगा रखा है, बहुत सिंपल सिंपल कीवर्ड कवर करे हुए, कोई हाई फाई चीजें नहीं यूज करी है, साफ सुंदर इमेजेस, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अच्छा वही जैसे मैंने कहा ना कंटेंट मैटर करता है। जैसे जो मेरे को लग रहा है क्योंकि ये वेबसाइट ओरिजिनल इमेज यूज कर रही है इस वजह से, ओरिजिनल या फिर मुझे लगता है यूट्यूब से इसने स्क्रीनशॉट लेके भी डाल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ क्रिएटिविटी वाली बात है कि कौन कैसा है, तो मेरी ये ओरिजिनल भी हो भाई पूरा मत मान जाना, साइट हो रखता है, तो ये वाली है कि आप देख सकते हो कि इसने काफ़ी नीट एंड क्लीन काम किया है।
एंड हम इसका साइट मैप से भी जज कर सकते हैं इस पर कितने पेजेस हैं। तो जैसा देख सकते हो कि आप पोस्ट में सिर्फ 34 पेजेस हैं, 34 आर्टिकल्स इस वेबसाइट ने लिखे हैं। एंड वेब स्टोरीज का भी इस पर आ रहा है, वेब स्टोरीज भी देख लेते हैं क्या वेब स्टोरी बना रहे हैं। वेब स्टोरीज भी नहीं बना रही है, तीन बनाए हैं। तो नीट एंड क्लीन वेबसाइट है। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको एक कीवर्ड मिला है, बस आपको और कीवर्ड्स को देखते जाना है, देखते जाना है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरा दिखा रहे हैं हाँ कैसे घुसना है। एग्जैक्टली तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5000 कीवर्ड है। मैं कहता हूँ दावे के साथ में ये चीज़ कह सकता हूँ, गारंटी ले लो, ये अगर नहीं हुआ मेरे को आके दिखाना वेबसाइट, मैं फ्री में एसईओ करके दूंगा। ये 5000 कीवर्ड है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ ऑडियंस को, ठीक है। 5000 कीवर्ड है, कोई एक बंदा या दो बंदे जितने भी लोग इन 5000 कीवर्ड में 100 कीवर्ड पकड़े, जैसे रिसर्च मैंने करके बताया, 100 कीवर्ड पकड़े, एक डोमेन लें, फ्रेश लें, एक्सपायर्ड लें, उनकी मर्जी है, ठीक है। जस्ट इनकेस अगर किसी को एक्सपायर्ड डोमेन लेने में हेल्प चाहिए, मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनको हेल्प कर दूंगा। कैसे करें कॉन्टैक्ट, यूट्यूब चैनल है, ईमेल आईडी है, कहीं पर भी, इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी आगे कर सकते हैं अच्छे से। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कॉन्टेंट कैसे लिखना है। और अगर उसको 6 महीने में ट्रैफिक ना आया, मेरा नाम बदल दे, बशर्ते वो मेहनत करके फोकस के साथ वेबसाइट बनाए। और अभी जैसे हमने कंटेंट देखा कि बंदे ने कंटेंट कैसे लिखा है, तो उनके सामने भी दिख रहा था भाई कितना नीट एंड क्लीन कंटेंट लिखा है, वैल्यू के साथ कम लिखा है बट अच्छे से लिखा है, अच्छे से लिखा है, करेक्ट। तो ऐसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, तब पता चलता अच्छा हमें भी इससे बेहतर आर्टिकल बनाना है, तब जाके हम रैंक करेंगे, करेक्ट।